हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है जे आर चैनल पे मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका गुदारा आपके एजुकेटर फॉर सी एस आई नेट लाइफ साइंसेज सो गाइज अगर आप लोग सी एस आई नेट जून 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर केमिकल साइंसेज एंड लाइफ साइंसेज ये कोर्स अभी अवेल करने पर आपको एक ऑफर प्राइस पे अवेलेबल हो जाएगा विच इज़ थर्टीन जिसके लिए ट्वेल्व मंथ्स की आपको वैलिडिटी मिल जाती है ज्वाइन करने के लिए जे आर एफ अड्डा की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ पे अपना आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं सो so गाइज़ हम लोग जेनेटिक्स uh, के रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट ईयर क्वेश्चन हैं जिनसे काफ़ी सारे आपके टॉपिक्स हैं uh, जो क्लियर हो जाने चाहिए उस तरह की टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन हमने यहाँ पे uh, उनका कलेक्शन एक यहाँ पे मैं लेके आई हूँ so, सो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं हम ऑलरेडी दो क्लासेस इससे रिलेटेड हो चुके हैं सो दिस इज द थर्ड सेशन सो शुरू करते हैं आज की क्लास सो so, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दैट इज द फॉलोइंग डायग्राम द सेगमेंट्स ए सी आर कॉपीज ऑफ टेन बेस प्योर रिपीट डीएनए सो यहाँ पे ए और जो सी दोनों डीएनए के सीक्वेंसेस हैं ये क्या है दे कॉपी हैं टेन बेस प्योर की कॉपी है एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है ना रिपीट डीएनए सीक्वेंसेस मतलब रिपीट हैं बेसिकली ए और सी फ्लैंकिंग स्ट्रेच शोन एज बी सो so, जो बी है वो क्या है एक यूनिक स्ट्रेच है उसका कोई कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है ए और सी जो है वो टेन बेस पेयर के डीएनए की कॉपीज हैं जो बी के दोनों साइड यहाँ पे प्रेजेंट है दे आर इन इन्वर्टेड ओरिएंटेशन एज इंडिकेटेड इन बाय सो यहाँ पे हमें एरो दिया हुआ है कि ये वाला इस तरफ ओरिएंटेड है और ये वाला इस तरफ ओरिएंटेड है सो so, uh, indicated by arrows so intramolecular recombination between a and c leads to which event By a or c ke beech mein agar intramolecular recombination hota hai so now guys intramolecular is the word jo aapko ye question solve karne mein help karega intramolecular kya hota hai within within agar molecule diya hua hai to within a molecule aur yahan molecule kya hai dna so within the dna यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन क्या हो रहा है इस डीएनए के अंदर ही अंदर हो रहा है और अगर हम कहें इंटर मोलिक्युलर अगर इंटर मोलिक्यूलर दिया होता तो हम क्या समझते कि यहाँ पे कोई दूसरा मतलब दो डीएनए के फ्रेगमेंट्स के बीच में फ्रेगमेंट्स के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है सो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन टू डीएनए फ्रेगमेंट्स ए फ्रेग्रेंस इज इंटरमोलिकुलर लेकिन यहाँ हमें क्या दिया हुआ है इंट्रा इंट्रामोलिकुलर रिकॉम्बिनेशन दिया है ए और सी के बीच में सो तो यहाँ पे कौन सा इवेंट देखने को मिलेगा द कंप्लीट रीजन एंड कम्पिंग ए टू सी विल बी इनड सो गाइज यहाँ पे इस रीजन और इस रीजन के बीच में अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है तो पूरा का पूरा ही इन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा इन दोनों के अंदर जो है एक्सचेंज होगा ए और सी के बीच में ओनली ए एंड बी विल बी इन्वर्टेड क्या इन्वर्ट हो जाएंगे ए और बी ए एंड बी ऑलरेडी एक दूसरे की तरफ ओरिएंटेड है सो so, अगर इनमें रिकॉम्बिनेशन वापस हो भी जाता है ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है तो इस रिकॉम्बिनेशन की कंडीशन में अगेन इनका ओरिएंटेशन यही रहने वाला है सो so, ये भी करेक्ट नहीं है ओनली बी विल बी इन्वर्टेड बी का सीक्वेंस जरूर इन्वर्ट हो जाएगा अगर ए इन्वर्ट होके इस तरफ आ जाता है और सी इन्वर्ट होके उस तरफ चला जाता है तो उस कंडीशन में बी का जो ओरिएंटेशन है ए और सी के बीच में वो जरूर इन्वर्ट हो जाएगा सो ओनली बी विल बी इन्वर्टेड सो सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या एग्जैक्टली exactly पूछना चाह रहा है और किस तरह से मैकेनिज्म होता है उसके बेसिस पे हम इसको समझ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं In a normal uh, in normal individuals there are three MST two restriction sites. So guys MST two क्या है? MST two basically ek restriction enzyme hai It is an restriction enzyme. और restriction enzymes का क्या काम होता है? ये basically endonuclease होते हैं। मतलब DNA के बीच में कहीं जा करके specific site के ऊपर कट करते हैं तो एम एस टी टू कहाँ पर कट करेगा जहाँ MST2 टू का पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस प्रेजेंट होगा उस सीक्वेंस के ऊपर जाके कट करेगा सो so, नाओ इसके पास में क्या है रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं कितने थ्री रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं MST2 टू के कितने साइट्स हैं थ्री साइट्स हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट है टू फ्लैंकिंग बीटा ग्लोबिन जीन सो ये सपोज एक बीटा ग्लोबिन जीन है So, इस बीटा ग्लोबिन जीन के दोनों तरफ एक तो एमएसटी टू साइड्स प्रेजेंट है मतलब फ्लैंकिंग रीजन में जो ये वाला पर्टिकुलर रीजन है और जो ये वाला रीजन है यहां पे एमएसटी टू रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट है इसके अलावा कहां प्रेजेंट है वन विद इन द जीन एक इस जीन के बीच में भी प्रेजेंट है एमएसटी टू साइट यहां पे भी एक प्रेजेंट है नाउ इन इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय अ डिजीज ऐसे इंडिविजुअल जो जिनको कोई डिजीज हो रखा है उनके अंदर क्या देखा गया एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉरफिजम देखा गया इन द बीटा बीटाग्लोबिन जीन विट अबॉलिश द इंटरनल एमएसटी टू रिकोगशन साइट सो भाई यहाँ पे ये जो एमएसटी टू है यहाँ पे अगर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉरफिज्म इसका मतलब क्या है एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं अगर सपोज़ ये एम टू साइट जो इस डी के बीच में प्रेजेंट है इसका अगर कुछ भी सीक्वेंस मान लेते हैं ओके से ए टी सी जी सी सी सो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस ये जो साइट है ये सपोज यहाँ पे चेंज हो गया ऑल ये एम एस टू साइट नहीं है ओके okay, मैं रैंडमली कोई भी साइट लिख रही हूँ यहाँ पे एम एस टी टू का एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है जहाँ पे एमएस टी टू कट करेगा बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई एम टेलिंग अगर ये एक सीक्वेंस है सो so यहाँ पे एस एन पी कैसे होता है ए टी या सी की जगह पे सपोज वापस टी आ गया एंड जी सी सी ये एक सीक्वेंस बन गया सो so यहाँ पे सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म इसको कहेंगे मतलब एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर यहाँ पे चेंज हो गया है अगर एक न्यूक्लियोटाइड में भी चेंज हो गया तो उस कंडीशन में अब ये एम एस टी टू का जो साइट है ये खत्म हो जाएगा क्या हो जाएगा ये अबॉलिश हो जाएगा मतलब यहाँ पे अब एम एस टी टू कट नहीं कर पा नहीं कर पाएगा सो so यहाँ पे जब आर एफ एल पी किया गया कुछ कंडीशंस में जहाँ पे ये डिजीज़ था उनके अंदर जब आर एफ एल पी किया सो so यहाँ पे जो लोकस है उसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स ये सब टेक्निक्स यूज होते हैं किस तरह से आर एफ एल पी में क्या किया जाता है आर एफ एल पी में डी एन ए कलेक्ट करते हैं डीएनए को सबसे पहले क्या करेंगे एम एस टी टू से यहाँ पे डाइजेस्ट करवाएंगे उसके बाद में जो सैंपल है ठीक है इस सैंपल को फिर रन करवाया जाता है किसके ऊपर जेल के ऊपर और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन करा के चेक करते हैं कि एग्जैक्टली exactly किस तरह का बैंडिंग पैटर्न बना है सो ये आर एफ एल पी का प्रोसेस है ना जब बैंडिंग पैटर्न बनता है तो हमें अलग अलग साइज के बैंड्स मिलते हैं और उससे पता लग जाता है कि एम एस टी टू ने कहाँ कहाँ कट किया सो so, जैसे कि हमें पता है एग्जैक्टली exactly यहाँ पे फ्लैंकिंग रीजन पे भी एम एस टी टू कट कर रहा है सो so एक्जैक्टली exactly जो हमारा जीन है उसके दोनों साइड एम एस कट करेंगे बीच में यहाँ पे इसके अंदर कुछ म्यूटेशन हो गया एस एन पी बन चुका है सो so कुछ लोगों में हो सकता है कुछ जीन्स में ये एम एस टी टू वाला जो साइट है ये गायब हो गया हो कुछ के अंदर अभी भी प्रेजेंट हो सो so, यहाँ पे जो पैटर्न है वो देख के समझ में आएगा सो so, गई जो साइज़ के भी मैं दिया हुआ है एक जो बैंड है नॉर्मल सन का वो क्या साइज का है वन पॉइंट थ्री फाइव और उसके अलावा इसके पास दो और बैंड्स हैं वन पॉइंट वन फाइव और जीरो पॉइंट टू साइज का ठीक है सो so, इसके पास पे इसका मतलब क्या है ये जो बीटा ग्लोबिन जीन था इसका टोटल साइज कितना था सो so, अगर ये बीटा ग्लोबिन जीन है तो इसका टोटल साइज है वन पॉइंट थ्री फाइव और एमएसटी कहाँ पर प्रेजेंट था ऑलमोस्ट जीरो पॉइंट टू केबी के ऊपर यहाँ पे एक Uh, जो एमएसटी है वो प्रेजेंट था और यहाँ पे जो दूसरा फ्रेगमेंट था वो क्या साइज का होगा 1.15 पॉइंट वन फाइव ना वन वाला बैंड कब आएगा जब ये जो एम वाला साइट है ये एमएसटी टू साइट अगर अबॉलिश हो जाए यहाँ पे अगर एस हो जाए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलिमोफिजम तो ये साइट गायब हो जाएगा ना इस नॉर्मल सन के पास हम क्या देख रहे हैं एक तो 1.35 का पूरा जीन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा फ्रेगमेंट आ चुका है ठीक है और इसके पास में एक कॉपी है जिसके पास ये दो फ्रेगमेंट इसके पास में बने हैं सो so, इसका मतलब क्योंकि हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं तो डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स के पास दो क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं सो so, एक क्रोमोजोम के ऊपर इसके पास ये एम साइट गायब हो चुका है जिसकी वजह से 1.35 पॉइंट के बी का यहाँ पे ये एक फ्रेगमेंट बना है जबकि दूसरे वाले क्रोमोजोम के ऊपर ये एम साइट अभी भी प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये दो फ्रेगमेंट्स और आ चुके हैं और ये कैसा है नॉर्मल सन है सो so गाइज अगर ये डिजीज ऐसी होती कि अगर डोमिनेंट वाली सिचुएशन होती तो उस कंडीशन में अगर एक भी यहाँ पे अबॉलिश हो गया है एक भी साइट यहाँ पे चला गया है तो यहाँ पे डिजीज शो हो जाती लेकिन ये कैसा है नॉर्मल सन है नाउ कमिंग टू द डॉटर डॉटर के पास बिल्कुल नॉर्मल डॉटर है इसके दोनों ही जो बैंड्स आए हैं वो कौन सा है 1.15 और 0.2 इसका मतलब इसके दोनों ही कॉपीज़ के ऊपर दोनों क्रोमोजोम्स के ऊपर एम एस टी टू साइट जो है वो क्या है प्रिजर्व है अभी भी इस वजह से दो बैंड बन गए हैं ओके नाउ द थर्ड चाइल्ड इज अफेक्टेड सन और अफेक्टेड सन में हम क्या देख रहे हैं सिर्फ एक ही बैंड आया है जो कि क्या साइज़ का है 1.35. इसका मतलब इसके दोनों ही क्रोमोजोम्स के ऊपर दोनों ही क्रोमोजोम पे ये जो एमएसटी साइट है ये क्या हो चुका है अबॉलिश हो चुका है इस वजह से इसके एक ही बैंड आया और ये क्या है अफेक्टेड है सो so, इसके दोनों ही जो कॉपीज़ हैं ग्लोबिन जीन के वो दोनों के अंदर ही म्यूटेशन हो गया है बिकॉज वहाँ पे क्या हो गया एस एन पी हो चुका है सो so, अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि, कि किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है सो so, क्या ये एक्सलिंक्ड है नहीं ऑटोजोमल डोमिनेंट भी नहीं है वरना इस वाले सन में भी डिजीज दिखता और ऑटोजोमल रेसेसिव ये है क्योंकि जब दोनों कॉपीज में म्यूटेशन हुआ है तो उस कंडीशन में जो सन है वो अफेक्टेड है सो so, ये हमारा इस तरह से हम आंसर इसको निकाल सकते हैं सो so, जस्ट आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है किस क्या हमें डाटा दे रखा है और किस तरह से उसको हमें समझना है और किस तरह उस पर कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन होता है लेकिन हंड्रेड परसेंट श्योर आप आंसर इसका निकाल सकते हो ओके okay? इसको ध्यान से समझना कि ये वाले क्वेश्चन आप किस तरह से सॉल्व करोगे सो इन अ ड्रोसोफिला बार आय इज डॉमिनेंट म्यूटेशन बार आय क्या है डोमिनेंट म्यूटेशन है और मिनियेचर विंग एंड येलो बॉडी कलर आर रेसिव म्यूटेशन सो हीटरोजाइगस फीमेल्स ऑफ दीज म्यूटेशन क्रॉस टू नॉर्मल आइड मिनियचर विंग्स एंड येलो बॉडी कलर्ड मेल्स अज्यूम द फॉलोइंग प्रोजेनिवज ओपटेन्ड सो यहाँ पे हमें तीन कैरेक्टर्स दिए गए हैं कौन कौन से बार आय डोमिनेंट म्यूटेशन है जो कि एक उसके अलावा मिनिएचर विंग और येलो बॉडी कलर सो so, ये जो वाला पर्टिकुलर फीमेल है उसको एक रेसेसिव इसके अंदर क्या है रेसेसिव म्यूटेशन है उसको हमने हिटरोजाइगस हिटरोजाइगस फीमेल्स फॉर डीज म्यूटेशन वर क्रॉस्ड टू नॉर्मल आइड मिनिएचर विंग एंड येलो बॉडी कलर्ड मेल्स सो so, यहाँ पे इनका क्रॉस किया गया है और प्रोजेनी हमें दी गई है नाउ इसके बेसिस पे हमें क्या ऑबटेन करना है ऑर्डर ऑफ जीन्स निकालना है और दूसरा हमें क्या निकालना है बी और वाई के बीच में जो पर्टिकुलर particular... डिस्टेंस जीन्स के बीच में बी और वाई जीन्स के बीच में डिस्टेंस हमें निकालना है सो so, दो चीजें हमें निकालनी है सो so, सबसे पहले हम निकालते हैं ऑर्डर ऑफ जीन्स सो क्या ऑर्डर ऑफ जीन्स निकालने के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पेरेंटल टाइप्स कौन से हैं पेरेंटल टाइप आइडेंटिफाई करने का सबसे ईजी तरीका है जो पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है जैसे यहाँ पे ये और ये दोनों क्या है सबसे ज्यादा नंबर हमें दिख रहे हैं सो so, इसको मैच भी करके देख लेंगे एक बार बी एम प्लस वाई प्लस सो क्या है बी एम प्लस वाई प्लस और ये वाला क्या है बी प्लस एम एंड वाई सो ये क्या है पेरेंटल टाइप्स से ये हमें समझ में आ गया सो so, इन दोनों को मैं यहाँ पे वन लिख देती हूं ठीक है ना इसके बाद में सिंगल क्रॉस ओवर्स को हम देखेंगे सिंगल क्रॉस ओवर्स का नंबर जो है वो पेरेंटल टाइप से कुछ कम होगा सो so, यहाँ पे एक ये वाला हमें दिया है वन ट्वेंटी सो बी प्लस एम वाई प्लस इसको एक बार देख लेते हैं बी प्लस एम y प्लस और दूसरा कौन सा है आ, ये वाला देखिए बी एम प्लस वाई सो बी एम प्लस वाई सो ये क्या हो गया एक सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट हो गया ठीक है सो इसको मैं नंबर टू लिख देती हूँ नंबर थ्री वाला और आइडेंटिफाई करते हैं सो so, ये एक है जिसमें फोर्टी फाइव नंबर मुझे दिख रहा है सो so, इसको मैं लिख लेती हूँ एक बार दिस इज बी प्लस एम प्लस वाई और इसका पेयर ढूंढेंगे कौन सा वाला है जिसमें बी होगा बी बी एम वाई प्लस सो ये वाला ठीक है सो so, ये हो गया थर्ड इसको हम लिख देंगे थर्ड सो बी एम प्लस वाई के साथ में पेयर है बी एम वाई प्लस सो ये भी एक सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट है नाउ एक बच गया है जो कि फोर्थ वाला है सो so, ये क्या है बी प्लस एम प्लस और वाई प्लस ठीक है और uh, इसका ये है बी एम वाई सो ये बेसिकली क्या हो गया ये हो गया डबल क्रॉस हुआ प्रोडक्ट ठीक है दिस इज डबल क्रॉस हुआ प्रोडक्ट क्योंकि डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट सबसे कम होंगे जो भी पॉपुलेशन आप देखोगे उसके अंदर डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट सबसे कम मिलेंगे और पेरेंटल टाइप सबसे ज्यादा मिलेंगे अब हमें पता करना है ऑर्डर ऑफ जीन्स निकालना है सो ऑर्डर ऑफ जीन्स के लिए क्या करेंगे कई जो हम पेरेंटल टाइप है उसको लेंगे और उसको हम अलग अलग ओरिएंटेशन में रख के और उसमें डबल क्रॉस ओवर करा के इसके साथ मैच करके देंगे कि किस तरह से देखिए यहाँ मैंने लिख दिया बी एम प्लस वाई प्लस यहाँ मैंने लिखा है बी प्लस एम वाई इनके बीच में मैं डबल क्रॉस ओवर कराऊंगी ठीक है सेकेंड सिचुएशन में अब मैंने यहाँ पे एम प्लस को बीच में रखा है एम को बीच में रखा है अभी मैं बी को बीच में रखूंगी सो एम प्लस बी वाई प्लस और नीचे वाला क्या है एम बी प्लस वाई सो ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैंने रख दिया अब इसको डबल क्रॉस ओवर करा के इसके प्रोडक्ट चेक करेंगे और थर्ड में मैं Y को बीच में रखूँगी सो so, यहाँ पे मैंने लिख दिया M प्लस वाई प्लस बी और यहाँ पे लिख दिया M Y एंड B प्लस सो so, ये तीन अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो मैंने लिख दिए। है सो so, हमारा जो डबल क्रॉसओवर प्रोडक्ट वो क्या आना चाहिए बी प्लस एम प्लस वाई प्लस आना चाहिए सो so, हम फटाफट से चेक कर लेंगे कहाँ पर बी प्लस एम प्लस वाई प्लस आ रहा है सो so, एक बार देख लीजिए यहां पे आ रहा है बी प्लस एम प्लस और यहाँ पे सिर्फ वाई रह गया सो so, ये नहीं है एम प्लस बी प्लस वाई प्लस सो गईज ये वाला जो है बिल्कुल करेक्ट मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है देखिए एम प्लस बी प्लस और वाई प्लस इसका डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा एम प्लस बी प्लस वाई प्लस और दूसरा क्या बन रहा है एम बी वाई एम बी वाई सो यही हमारा डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स हैं एक्चुअली सो ये मैच हो गया इसका मतलब जीन का सीक्वेंस क्या है ये वाला एम बी और वाई हो गया हमारा सीक्वेंस ऑफ जीन्स नाउ जो दूसरी चीज़ हमें पता करनी है दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बी एंड वाई बी और वाई के बीच में डिस्टेंस पता करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि बी और वाई के सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स कौन से हैं अब ये कैसे पता करेंगे पेरेंटल uh, टाइप को देखें ये पेरेंटल टाइप है और हमें जीन्स का सीक्वेंस अब पता लग चुका है सो so ये जीन्स का सीक्वेंस है सो so इसके अंदर अगर किस-किस के बीच में बी और वाई के बीच में एक सिंगल क्रॉस ओवर हो सिर्फ यही वाला एक क्रॉस ओवर हो तो क्या प्रोडक्ट बनेगा एम प्लस बी वाई सो ये हम देख लेंगे यहां कहां पे बन रहा है एम प्लस बी एंड वाई राइट एम प्लस बी वाई एम प्लस बी वाई ये इसके अंदर बन रहा है ठीक है और दूसरा ऑब्वियसली क्या बनेगा दूसरा बनेगा एम बी सॉरी uh, दूसरा बनेगा M B plus Y plus so M B plus Y plus वाला ये कॉम्बिनेशन बन रहा है so यही वाले जो है कॉम्बिनेशन हमें देखने हैं so ये कौन सा वाला कपल है थर्ड वाला सेकंड वाला है क्या uh, B plus M Y plus जो कि ये है और एक ये वाला है so guys अब क्या करेंगे इनका टोटल लिख देंगे कितना है one twenty plus ये वाला कितना है hundred and ten न ट्वेंटी प्लस हंड्रेड एंड टेन कितने हो गए सिंगल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स हो गए बी और वाई के बीच में इसके अलावा बी और वाई के बीच में कहां क्रॉस ओवर हुआ है डबल क्रॉस ओवर में भी बी और वाई के बीच में क्रॉस ओवर हुआ होगा सो डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स को भी यहाँ पे हम लिखेंगे सो डबल क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स को हमने फोर नंबर दिया है सो थर्टी प्लस ट्वेंटी और यहाँ पे हम लिख देंगे थर्टी प्लस ट्वेंटी अपॉन आएगा टोटल ये जितने भी हैं इन सबको टोटल करेंगे ठीक है थर्टी प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस वन सिक्सटी फाइव प्लस वन ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी प्लस वन एटी फाइव प्लस वन वन जीरो प्लस फोर्टी फाइव सो ये सारों को टोटल करना है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हंड्रेड से अब जो ये पूरा का पूरा इक्वेशन है इसको हमको सॉल्व करना है ठीक है सो इसको टोटल कर लेंगे टोटल करने पे जो मेरा आंसर निकला था दैट वाज 280 अपॉन 700 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो so ये आ गया 40 सो so गाइज इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटी मॉर्गन ठीक है सेंटी मॉर्गन में आंसर आएगा अगर और भी यूनिट आपको दी हुई हो यहाँ पे अगर सेंटी मॉर्गन की बजाय कुछ और आपको दिया है तो उस कंडीशन में हम और इसको कैसे कैसे डिनोट कर सकते हैं अ फोर्टी मॉर्गन यहाँ लिख देती हूँ मैं फोर्टी सेंटी मॉर्गन इज आल्सो इक्वल टू फोर्टी परसेंट रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इट इज आल्सो इक्वल टू फोर्टी मैप यूनिट्स डिस्टेंस और इसको हम कैसे लिख सकते हैं पॉइंट फोर मॉर्गन ये भी डिस्टेंस बिटवीन जीन्स के लिए एक और यूनिट है सो so इनमें से जिस भी यूनिट में दिया हो आप इसी फॉर्मूला से आंसर निकाल सकते हैं ओके सो यहाँ पर फोर्टी सेंटीम ऑर्गन आ गया है और जो सीक्वेंस ऑफ जीन है वो क्या था एम बी वाई विच इज दिस सो बी एंड सी आर करेक्ट सो यहाँ पे जो बी वाला ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट हो गया ओके सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन अ पेयर ऑफ अलील्स गवर्न सीड साइज इन अ प्लांट बी अलील रिस्पॉन्सिबल फॉर बोल्ड सीड इज डोमिनेंट एंड बी अलील कंट्रोलिंग द स्मॉल सीड सो यहाँ पे दो पर्टिकुलर अलील्स हैं ठीक है जो कि साइज को सीड साइज को गवर्न करते हैं सो so, जो ये कैपिटल वाला बी है वो बोल्ड ये क्या देगा बोल्ड सीड और जो स्मॉल बी है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्मॉल सीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है नाउ द एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट टू टेस्ट इफ एन आइडेंटिफाइड डोमिनेंट डीएनए मार्कर सो एक जो डीएनए मार्कर है फाइव के वी बैंड इट इज लिंक्ड टू Alleles controlling seed size. So, हमें क्या पता करना है एक पर्टिकुलर डीएनए मार्कर भी है ठीक है अब हमें ये पता करना है कि ये जो जीन्स है ये और डीएनए मार्कर क्या सेम ही क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है या फिर अलग अलग क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है सो अ प्लांट हीटर फॉर मार्कर एंड अलील्स वॉज क्रॉस टू स्मॉल सीडेड प्लांट लैकिंग द फाइव के बी बैंड सो भाई यहाँ पे हिटरोजाइगस प्लांट को क्रॉस करवाया है मतलब हिटरोजाइगस कंडीशन मतलब ये वाली कंडीशन है इसके साथ में एक इसको क्रॉस करवा दिया है ठीक है और इसके साथ में जो बैंड है वो किसके अंदर प्रेजेंट है कंट्रोलिंग अ प्लांट हिट्रोजाइगस फॉर मार्कर एंड अलील्स ठीक है टू अ स्मॉल सीडेड प्लांट लेकिंग द फाइव बी बैंड सो इसकी इसके पास और क्या प्रेजेंट है डी एन ए मार्कर भी प्रेजेंट है और इसके पास में डीएनए मार्कर एबसेंट है डीएनए मार्कर इसके पास एबसेंट है तो इन दोनों को जब क्रॉस करवाया है तो इसके बाद में हंड्रेड प्रोजेनी ओबेन हुई है क्रॉस के बाद में ठीक है और इसमें हमने चेक किया प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ द डीएनए मार्कर इन द पॉपुलेशन सो द रिजल्ट इज टेबलेटेड बिलो रिजल्ट क्या आया प्लांट्स विद बोल्ड सीड सो भाई बोल्ड सीड में कितने प्लांट्स यहाँ पे टोटल आए ट्वेंटी टू प्लस ट्वेंटी थ्री दैट इज़ अप्रोक्सीमेटली फोर्टी फाइव प्लांट्स आ गए बोल्ड सीड वाले ठीक है प्लांट्स विद स्मॉल सीड कितने आए हैं दिस इज अराउंड फिफ्टी फाइव सो फिफ्टी फाइव और फोर्टी फाइव इसको क्योंकि प्रोजेन ही है वो बिल्कुल हंड्रेड परसेंट एक्ूरेट हमारा एक आइडियल वाला आंसर नहीं आता है अराउंड आंसर आता है सो so ये हम कह सकते हैं कि इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है और अगर हम यहाँ पे इसको देखें जो डीएनए uh, मार्कर की प्रेजेंस को देखें तो ये सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है सो so गाइज इस कंडीशन में क्या हम कह सकते हैं यहाँ रेशियो है वन इज टू वन इज टू वन इज टू वन सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है डीएनए मार्कर सो गाइज इससे क्या समझ में आता है इससे समझ में ये आता है कि सभी के अंदर अगर ये डीएनए मार्कर गया है सो दैट शोज कि यहाँ पर जो मैंडेलियन लॉ है वो फॉलो हो रहा है अगर मैंडेलियन लॉ फॉलो नहीं होता तो ये मार्कर सिर्फ उन्हीं वाले पर्टिकुलर जीन्स के साथ में शो होता जो ये बोल्ड सीड वाला शो कर रहे हैं क्योंकि बोल्ड सीड के साथ में डीएनए मार्कर अटैच इसके साथ में देखा गया था जो शुरू में सिचुएशन थी लेकिन यहाँ पे क्रॉस के बाद में सबके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है सो मैंडेलियन लॉ क्या हो रहा है फॉलो हो रहा है और मैंडेलियन लॉ अगर फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर जीन्स uh, हैं इसके लिए जिसके ऊपर ये वाला पर्टिकुलर अलील प्रेजेंट है और जिसके ऊपर ये मार्कर प्रेजेंट है मार्कर वाले क्या डिफरेंट डिफरेंट जीन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट हैं जिनके ऊपर ये प्रेजेंट है सो so, इससे हमें क्या पता लगता कंक्लूजन क्या निकला है द डेरी मार्कर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द फिनो सो फिनो से क्या ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर रहा है पहली सिचुएशन सो यस बिल्कुल इंडिपेंडेंटली फॉलो कर रहा है द फाइव के केवी बैंड इज लिंक टू लिंकेज यहाँ पे नहीं है ठीक है ये यह बिल्कुल यहाँ भी लिंक्ड नहीं है डीएनए मार्कर असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली विद बोल्ड सीड नो इट्स इट्स नॉट लिंक टू एनी ऑफ देम सो फर्स्ट यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया जहां पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें देखने को मिल रहा है सो गाइज कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन डीएनए फ्रॉम अ स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया विद जीनोटाइप दिस वॉज आइसोलेटेड एंड यूज टू ट्रांसफॉर्म अस्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया दैट वॉज ने ट्रांसफॉर्म सेल्स वेस्टेड फॉर प्रेजेंस ऑफ डोनेटेड जीन्स सो ये जितने भी सेल्स हैं उनको इनके लिए चेक किया गया कि किसके पास ये डोनेटेड जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है सो द फॉलोइंग जीन्स आर फाउंड टू बी को ट्रांसफॉर्म सो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन देखा जा रहा है कि किन किन जीन्स का साथ में को ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है सो so, सीक्वेंस अगर पता करना है ऑर्डर ऑफ जीन्स पता करना है तो सबसे पहले इनको लिखते जाएंगे कि कौन कौन से जीन्स साथ में जा रहे हैं ए और डी साथ में है डी के साथ में और कौन सा है सी ठीक है सी सी के साथ में और कौन सा गया है यहां पे देखिए ई e. और ई e के साथ में कौन सा गया है अभी बी सो so इस तरह से हम सीक्वेंस निकाल लेंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है ए डी सी ई e, बी यहां पे सीक्वेंस होना चाहिए ए डी सी यही क्या है ऑर्डर ऑफ जीन्स है इस पर्टिकुलर को ट्रांसफॉर्मेशन वाली सिचुएशन में नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री मिथ्योनि नेगेटिव ई कोलाई म्यूटेंट स्ट्रेंथ वर आइसोलेटेड टू स्टडी द नेचर ऑफ म्यूटेशन दीज म्यूटेंट स्ट्रेंथ वर ट्रीटेड विद ई एम एस और प्रोफ्लेवेंस सो so, यहाँ पे इस, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन को आइसोलेट किया गया है और यहाँ पे किस तरह का म्यूटेशन है नेचर ऑफ म्यूटेशन स्टडी करने के लिए इनको क्योंकि ऑलरेडी सी अगर कोई डीएनए है उसके ऊपर ऑलरेडी एक म्यूटेशन हो रखा है सो so, अलग अलग तरह की म्यूटन्स हैं अगर जो म्यूटाजन का अफेक्ट है और उसी तरह का म्यूटेशन पहले हुआ था तो उसको म्यूटाजन क्या कर देगा रिवर्स कर देगा फॉर एग्जाम्पल अगर पॉइंट म्यूटेशन हुआ है अगर ये डीएनए है ठीक है इसके ऊपर यहां पॉइंट म्यूटेशन अगर हुआ है तो उस कंडीशन में अगर हम एक इस तरह का यहाँ पे डालेंगे तो वो म्यूटाजन क्या करेगा म्यूटेशन में ये जो फर्स्ट पॉइंट म्यूटेशन हुआ था इसको रिवर्स कर देगा और वापस से एक जो नॉर्मल जीन है वो बन जाएगा और अपना वर्क वो करना शुरू कर देगा सो so, इस तरह से इनको हम टेस्ट करते हैं सो so, यहाँ पे रिजल्ट ऑप्टेन किए गए हैं कि जब इन दोनों एजेंट से हमने इनको ट्रीट करवाया तो क्या हमारे पास रिजल्ट आया सो so, जो ए वाला स्ट्रेन है उसके अंदर ई एम एस से जो म्यूटेशन है वो रिवर्स नहीं हो पाया लेकिन प्रोफ लेवन से ये म्यूटेशन रिवर्स हो गया नाउ गाइज इसके लिए हमें ज़रूरी है पता होना चाहिए कि कौन से वाले एजेंट का क्या इफेक्ट होता है सो so, अगर ई एम एस दिया है तो ई एम एस की वजह से क्या होता है पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं और वो भी कौन से वाले ट्रांजिशन वाले ट्रांजिशन पॉइंट म्यूटेशंस होते हैं जबकि प्रोफ्लेवन की वजह से प्रोफ्लेवन की वजह से क्या होते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन्स फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन्स होते हैं सो so अगर प्रोफ्लेविन की वजह से रिवर्स हुआ है ए के अंदर तो इसका मतलब ए में कौन सा वाला म्यूटेशन हुआ होगा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ होगा सो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं ए में कहाँ पे फ्रेम शिफ्ट है यहाँ ट्रांसफर्जन है ट्रांजिशन है इंसर्शन एंड डिलेशन बिल्कुल सही बात है सो so यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट है और यहां भी ए ट्रांजिशन सो यहीं से हमें आंसर मिल गया है सी जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही हमारा आंसर होगा क्योंकि ये बिल्कुल करेक्ट है बट स्टिल लेट्स चेक बी का क्या दिया हुआ है कि ये ई एम एस से यहाँ पे रिवर्स हो गया है म्यूटेशन सो ई एम एस की वजह से क्या होता है पॉइंट म्यूटेशन और वो भी ट्रांजिशन वाले सो so ये बिल्कुल सही है बी भी सही जा रहा है और सी के अंदर दोनों से ही रिवर्स नहीं हो पाया सो so, इसका रीजन दे रखा है डिलीशन ऑफ मल्टीपल बेसिस सो गाइज बिल्कुल ये रीजन हो सकता है कि मल्टीपल बेसिस पे यहाँ पे डिलेशन हुए हों so, जिसकी वजह से ये दोनों ही जो म्यूट है ये इसके म्यूटेशन को रिवर्स नहीं कर पाए सो थर्ड जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा हो गया है लेट्स इधर नेक्स्ट वन अज्यूमिंग दैट ए बी सी डी जीन्स आर नॉट लिंकड दे आर नॉट लिंक एंड द प्रोबिलिटी ऑफ प्रोजेनि बींग ये वाली प्रोजेनि किस किसके बीच में क्रॉस होना है इसके और इसके बीच में सो so, क्या इसकी प्रॉबिलिटी रहेगी ये हमें पता करना है सो गाइज यहाँ पर अगर हम देखें तो सिर्फ क्योंकि एक ही पेरेंट के पास में क्या है हीटरोजाइगस कंडीशन है ठीक है ये वाला क्या है इसके पास में होमोजाइगस कंडीशन है सो so, इस कंडीशन में एक तो डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो आप पुट करके देख सकते हो जिसके अंदर टू की पावर एन हम लगा देते हैं एन एन क्या है नंबर ऑफ नंबर ऑफ हीटर ओके सो यहाँ पे हीटर कंडीशन कितनी जगह पे है दो जगह पे कहां, कहां पे? एक तो देखिए ये वाली है और एक ये वाली है ठीक है ये फर्स्ट और ये सेकंड। सो टू की पावर टू लगाएंगे तो कितना आ गया फोर सो टोटल कितने टाइप के चार टाइप के यहां पे फिनो या चार टाइप के प्लांट्स बनेंगे ठीक है तो जनरली ये वाला फार्मूला हम लगाते किस में generally तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं कि जब आपको पता करना है कि फिनो टाइप्स कितने टाइप्स के बनने वाले हैं बट इससे यहाँ भी डायरेक्टली अप्लाई करके आप देख सकते हो बाकी अगर हम सॉल्व करके देखना चाहें तो वो सबसे बेस्ट रहेगा सो so, इस वाले को मैं सबसे पहले लिख देती हूँ इस वाले पेरेंट को यहाँ लिख देते हैं ए ए बी बी सी स्मॉल सी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी कैपिटल डी दूसरा पेरेंट कौन है ए ए बी बी स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी ठीक है सो इसके जो गेमीट बनेंगे इसका गेमिट क्या बनेगा एक ही तरह का गेमीट बनेगा ए बी स्मॉल सी कैपिटल डी और यहां से क्या क्या गेमिट्स बनेंगे सो so, अगर हम इनको क्रॉस करा के देखना चाहें तो यहां पे इसके गेमीट्स में लिख देती हूँ एक तो बनेगा क्योंकि यहाँ तो ये यह क्या है होमो कंडीशन है और ये भी होमो है इन दोनों में हीटरोज कंडीशन है सो तो यहाँ पे वेरिएशन आएगा सो तो ए तो सभी में कैपिटल आएगा यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल बी सी भी सब में स्मॉल आएगा और यहाँ मैं लिख देती हूँ कैपिटल डी ठीक है सेकेंड सिचुएशन यहाँ पे तो कैपिटल ए ही आएगा स्मॉल बी स्मॉल सी एंड कैपिटल डी थर्ड मैंने लिख देती हूँ यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी और यहाँ पे लिख देती हूँ ये स्मॉल डी ओके थर्ड कंडीशन फोर्थ कंडीशन क्या हो गई कैपिटल ए अब इसके साथ में स्मॉल बी ओके और स्मॉल सी और इसके साथ में स्मॉल डी सो ये वाली फोर्थ कंडीशन हो गई सो so, यहाँ चारों के अंदर अब हम चेक करेंगे कि कौन से वाले में ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो बन रहा है सो so, जनरली अब हमें पता ही है, guys, यहाँ पे चार तरह के ही जो है जीनोटाइप्स टाइप्स बनने वाले हैं सो देख लीजिए फर्स्ट वाला क्या बनेगा ए ए बी बी स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल डी कैपिटल डी और हमारा रिक्वायर्ड क्या है कैपिटल ए स्मॉल ए और कैपिटल डी स्मॉल डी का कॉम्बिनेशन होना चाहिए सो कैपिटल ए स्मॉल ए और राइट ये वाला नाउ कैपिटल यहाँ पर ओके okay. कैपिटल बी एंड स्मॉल बी ओके यहाँ पे स्मॉल सी स्मॉल सी और डी दोनों ही कैपिटल हैं लेकिन हमें क्या चाहिए जो एक डी भी यहाँ पे कैसा होना चाहिए स्मॉल कैपिटल और ये एक चाहिए सो कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी सो फोर्थ वाला क्या बनेगा ये वाला स्मॉल सी स्मॉल सी कैपिटल डी स्मॉल डी सो गाइज ये कॉम्बिनेशन अब हमें यहाँ फाइंड करना है ठीक है सो आई थिंक जो कौन सा वाला ऐसा बिल्कुल सेम बना है जिसके अंदर ये वाला आई थिंक ऐसा ही है राइट सो so ये वाला जो कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल हमारा ऐसा बना है और कितने टाइप के प्लांट्स यहाँ पे बने हैं चार टाइप के सो so चार में से एक ये है वन बाय फोर हमारा रेशियो हो गया सो so ये हमने डायरेक्टली शुरू में निकाल लिया था लेकिन मैंने सॉल्व करके आपको बताया सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि अगर निकालना भी हो तो किस तरह से हम निकालेंगे सो so डायरेक्टली हमारे पास क्या पता लग गया कि वन आउट ऑफ फोर प्लांट्स ये जो जीनो है ये उसका होने वाला है सो गाइज इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स uh, हैं वो ऑलरेडी मैं कवर करवा चुकी हूँ इसी चैनल के ऊपर बहुत सारे विडियोज हैं जिसमें जेनेटिक्स से रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं और उनका जो कंटेंट है किस तरह से थ्योरी भी अवेलेबल है जो आप समझ सकते हो कि कॉन्सेप्ट क्या है किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं हर एक जो टॉपिक है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है सो so ये आप लोग कर सकते हैं डेली फाइव पी इवनिंग पे क्लास होती है आप लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे इसके अलावा अगर आप कंप्लीट कोर्स हमारे साथ करना चाहें तो आप कर सकते हैं जे आर एफ की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और वहाँ आप अभी हैं